सा ये इश्क है, अजब सा इश्क। पाटो जी विंडो वाली सीट मारी। कुछ सपने अपने ना हुए मैडम जी, लेकिन फिर भी उनके छिन जाने से दिल में एक दर्द जरूर हो गया। पापा ठीक ही कहते हैं, शायद मैं ही गलत सोचती हूँ इस पागल के बारे में। अब जो होगा देखा जाएगा, पहले आपकी मरहम पट्टी करूंगा फिर अपनी किस्मत की। ओ वैसे ना आप ना वेस्टर्न कपड़ों में कोई बुरी ना लगती, लेकिन है ना जो बात हिंदुस्तानी सभ्यता में ना वो और कहीं हो ही ना सकती। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि आज मैं तुम्हें अच्छी लग रही हूँ? मुझे आप तो मरने कभी बुरे लगे ही ना। हाँ ऐसा करते हैं, आज हाफ डे है, ऑफिस के बाद तुम मुझे सिंगापुर घुमा दो। मैं आपको सिंगापुर घुमाऊं? ना ना मैडम जी, मैं तो हजाना घुमा दूंगा, मैंने तो यहाँ से अपने घर तक का रास्ता ठीक से नहीं पता, मैं आपको सिंगापुर कैसे घुमाऊंगा? अरे रास्ते मैं तुम्हें बता दूंगी, पर तुम मुझे घुमाना, मंजूर? मंजूर। बेटा शुरू शुरू में ऐसा ही होता है, कल से तुम दोनों एक दूसरे से रूठे हुए हो, उसे हो रही है जलन, तुम्हें हो रही है चिड़क, इसका मतलब जानती हो? तुम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया है। राजवीर सिंह सांगवान, मैं आ रही हूं तुम्हें प्रपोज करने। राजवीर, मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और आपके उस खास सवाल का खास जवाब यह है कि मैं अब एक मिनट। हेलो। हाँ बापू। अरे गजब हो गया राजवीर। क्या हुआ बापू, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अरे बात ही कुछ ऐसी है, आज तेरे ताऊ ने I love you. तो तुम कह रहे थे कि मैं आपसे प्यार बिल्कुल नहीं करता सिमरन जी। राजवीर अभी एयरपोर्ट के लिए निकला है। अरे बोलना भाई, प्यार करे कि ना करे? करूं। तेरी विश पूरी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैं इसे हर हाल में पूरी करूंगा। जल्दी से पैकिंग कर, फर्स्ट फ्लाइट से इंडिया जाएंगे। राजवीर अपने घर वालों के खिलाफ कदे नहीं जाएगा। तो भलाई इसी में है कि तू राजवीर ने भूल। मैंने तो राजवीर को कब का अपना लिया है, आप पारी उसकी है। पर अंकल मैं चाहती हूँ कि राजवीर ही नहीं, उसका पूरा परिवार मुझे अपनाए। पूरा परिवार? अगर तेरी ऐसी जिद रही ना तो तेरी शादी ना हो सके उसके साथ। हम गांव के लोग, हम दिल मिला के नहीं खन्ना साहब, गोत मिला के शादी करें। और भाई साहब ने पता चल गया ना कि वो पढ़ी लिखी है तो राजवीर ने मार देंगे, पर इसकी शादी राजवीर के साथ कभी नहीं होने दे। तो एक ही तरीका है, पढ़ाई वढ़ाई सब भूल जा और इतना लंबा घूंघट डालकर घुमा कर, फिर शायद राजवीर भी ऐसे शादी हो जाए। हाँ अरे यू काम तो हो सकता है। चली जाओ मैडम जी, अभी अभी इसी वक्त। इस तारीख तक ना तुम्हारे मुझसे सच निकलेगा और ना ही मैं अपने इस घर से जाने के लिए कहूंगा। मैं राजवीर से इतना प्यार करने लगी थी कि राजवीर से दूर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। मैं अपने प्यार को
अपने राजवीर को पाने के लिए आए थे। अफसोस की बात तो ये है कि सिवाय दुखों के मैं राजवीर को कभी कुछ नहीं दे पाई। अरे बाबी, राजवीर ने सा तन्ने भी तो कम ना सा, उसको पाने के लिए तन्ने तो अपनी जान की भी परवाह ना की। ये जानते भी कि अगर सामने सब कुछ पता चल गया तो वो तो तन्ने गोली मार देगा, फिर भी तो सब कुछ सहती चलेगी। अरे प्यार में इंसान पागल हो जावे, ये सुनिया तो था, देख तो अब रही। इब से तने किसी भी बात पे अफसोस करने की जरूरत ना से। अफसोस किस बात का दादी जी, इतने यहाँ सिर्फ राजवीर का प्यार पाने के लिए आए थे। मैंने यहाँ आके सिर्फ राजवीर का ही नहीं बल्कि आप सबका इतना ढेर सारा प्यार मिला है। अब इतने बड़े रिश्ते में मैं नहीं चाहती दादी जी कि मुझे किसी भी झूठ का सहारा लेना पड़े। ऐसा करते हैं, हम दोनों जाके सामोने सब कुछ सच सच बता देते हैं और फिर यो झूठ और लोहारी से हमेशा हमेशा के लिए तेरा पीछा छूट जाएगा। चल माजी सर। माजी, दादू ने भी ताऊजी को सब कुछ सच बताने की कोशिश की थी, पर इससे पहले कि वो कुछ बता पाते माजी ने हमेशा हमेशा के लिए उनकी जबान बंद कर दी। दादी, मैं नहीं चाहती कि आप भी ऐसी कोई मुश्किल में पड़े। अरे ऐसे कैसे मुश्किल आ जाएगी मारे पे, अभी तुम्हारे को परदादी बनना से। दिमाग ने घिस लिया, मैं इस छोटे से कमरे में मिलो चली, पर अब तक यो बात मारे भेजे में ना घुसरी कि आखिर उसने अपनी वेशभूषा बदली तो कैसे बदली। ना उस कमरे ने तो मैं बाहर से ताला लगा के गई थी, फिर वो कमरे से बाहर कैसे आई, उसने कपड़े कैसे बदले पड़े। आपकी थकावट दूर हो जाएगी। हमारी थकावट की बड़ी फिक्र हो रही से तन्ने आज। फिक्र तो करनी पड़ेगी ना माजी, दिन भर आपको मारी थी चिंता जो लगी रहती है। लीजिए चाय पीजिए। वैसे एक बात तो बता, ये कौन सी आई चाय बना के लाई तू, देसी या फिरंगी? एक घूट भर के खुद ही देख लीजिए ना माजी, किताबें तो पढ़नी आती नहीं है आपको, पर हाँ चेहरा देख के पहचानने का तजुर्बा तो आप में। ना छोरी, आज तो घूट भर के बिना पता चलेगा कि आज जो चाल चली से नतन्ने है, उसके सामने मारा तजुर्बा फेल हो गया। तेरी आज की इस चड़ाकी के सामने तुम्हारा सारा तजुर्बा फेल हो गया, इसीलिए तो खुद ही बताते हैं। एक बात बताना चाहूंगी आपको माजी कि इब तो मन ने आप पे तरस आना भी बंद हो चुका है। इन्हें बदले की आग में आप इतनी गिर चुकी है कि आपके मन में जो आता है आप वो करती चली जाती है। अरे आपने तो अपने बेटे को भी नजरअंदाज कर दिया है, उसके लिए क्या अच्छा है, कौन अच्छा है, वो कैसे ठीक होगा, इसके बारे में सोचते हैं? बस खत्म हो गया के तेरा, तो चल बता दे जल्दी से
तन्ने कमरे ते बाहर आके कपड़े कैसे बदले? तेरी मदद किसने करी? आपने। तेरे पागल होगी क्या? आपने मन्ने उस कमरे में बंद करके बाहर से ताला तो लगा दिया, पर अपने उतावले पर आप ये भूल गई कि उसके बगल वाली खिड़की के ऊपर एक रोशनदान। और फिर मैंने जल्दी से कपड़े बदले और उसी रोशनदान से वापस कमरे में चली गई। पहले तो फिर भी मारे मन में थोड़ा बहुत शक था, पर इब तो मन ने तेरी असलियत अपनी आंखों से देख ली है और तेरा वो असली रूप, उसके बारे में तो मैं सबने बता के रहूंगी। और जैसे ही आप सबने मेरी सच्चाई बताएंगी, वैसे ही मैं सबको आपकी सच्चाई भी बता दूंगी। बता दूंगी कि दादाजी की माँ दिल के दौरे से नहीं, बल्कि आपके जहर देने की वजह से मिली। बता दूंगी कि मैं खाई से गिरी नहीं थी, बल्कि मैंने धक्का दिया गया था। और तेरी ये सारी बातें बिना सबूत के कौन मानेगा? सबूत तो आपके पास भी नहीं है मेरी सच्चाई का, फिर आपके पास कौन मानेगा? इब तो हम दोनों एक ऐसी कश्ती में सवार हैं माँ जी, जो या तो हम दोनों को लेट डूबेगी या हम दोनों को पार लगाएगी। ना छोरे, इस कश्ती ने डूबने तो ना दूंगी मैं, और ना ही तन्ने किनारे पे लगने दूंगी। क्यों मारा वादा से इसमें? तो फिर मारा भी वादा है माँ जी कि अगर ये कश्ती को कोई किनारे लगाएगा तो वो होंगी मैं, और अगर कोई डूबेगा तो वो होंगी आप। ये इश्क है, अजब सा इश्क है।